एमपी की बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस ने घोषित किया प्रत्याशी। ग्वालियर, मुरैना और खंडवा सीटों पर उन्हें मिला टिकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बाकी बची 3 सीटों पर भी प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया है। मुरैना से पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू, ग्वालियर से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक और खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी। कांग्रेस ने इससे पहले 3 लिस्ट जारी की थी। इसमें पहली लिस्ट में 10, दूसरी लिस्ट में 12 प्रत्याशी जबकि तीसरी लिस्ट में 3 नाम शामिल थे। इस तरह कांग्रेस ने 25 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं 3 सीटों पर लंबे समय तक मंथन करने के बाद आखिरकार 6 अप्रैल को कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस मध्य प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। वहीं खुजराहो सीट इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। यह सपा ने मीरा यादव को प्रत्याशी बनाया था लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया है। खंडवा में ज्ञानेश्वर और नरेंद्र पटेल आमने सामने हैं। मुरैना में शिव मंगल सिंह का मुकाबला सत्यपाल सिंह सिकरवार से होगा। वहीं ग्वालियर में कांग्रेस के प्रवीण पाठक की बढ़ंत बीजेपी के भरत सिंह कुशवाहा से होगी। भाजपा ने सिकरवार को पार्टी से निष्कासित किया था। कांग्रेस ने मुरैना श्योपुर सीट से सत्यपाल सिकरवार नीटू को प्रत्याशी बनाया है। नीटू सुमावली से भाजपा विधायक रहे हैं। हालांकि साल 2020 में हुए विधानसभा उपचुनाव में भीतरघात के आरोपों के चलते भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बता दें कि इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिकरवार का मुकाबला नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी और पूर्व विधायक शिव मंगल सिंह तोमर से है। ग्वालियर से प्रवीण पाठक और भारत सिंह कुशवाहा आमने सामने। ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को कांग्रेस के प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा इस सीट से उम्मीदवार हैं। बता दें कि इस लोकसभा सीट से मैदान में उतारे गए दोनों प्रत्याशी 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। हालांकि एक बार फिर हारे हुए उम्मीदवारों के बीच ये मुकाबला देखने को मिलेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।